ग्रेटर नोएडा साइड दनकौर पुलिस ने 3 शातिर तेल लुटेरों को गिरफ्तार किया है। ये लुटेरे पेरिफेरल हाईवे पर खड़े वाहनों के पास अपनी गाड़ी को खड़ी करके तेल ट्रांसफर करके तेल चोरी करते थे। इसके बाद चुराए गए तेल को ये बेचकर मोटा मुनाफा कमाते थे। पुलिस ने इन लुटेरों को गिरफ्तार करके इनके पास से 4 ड्रम 300 लीटर तेल के और एक मोटी रबड़ के अलावा 10,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। बताया गया है कि पुलिस को काफ़ी समय से सूचना मिल रही थी कि पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर खड़ी गाड़ियों का तेल चोरी हो रहा है, इसलिए पुलिस सतर्क हो गई थी और चोरों की तलाश में जुटी हुई थी कि गश्त के दौरान इन लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, पूर्व में भी इस जोन में एनसीआर के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलमोस्ट ये टैंकर से तेल चुराने वाला गिरोह बहुत एक दिन से एक्टिव है और काफ़ी ऐसे गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसी क्रम में इंस्पेक्टर दनकौर के द्वारा एक सफलता प्राप्त हुई है, जो ईस्टर्न पेरिफेरल वे पे है, इनकी जो पेट्रोलिंग यूनिट्स लगी हुई थी और इन लोगों ने स्वयं ट्रैप करके सूचना के आधार पर एक इस तरह के गिरोह का फंडाफोर किया है, जिसके पोजीशन से एक बड़ा सा कैंटर और उसके साथ कम से कम 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उनके पोजीशन से 10,000 रुपये और लगभग 300 लीटर तेल बरामद हुआ है। जो गाड़ी है, जो कैंटर है, जिसको ये लोग यूज़ करते हैं तेल चुराने में, बड़ा ही एक तरह से उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। मॉडिफाइड का वो टैंकर है और उसमें बड़े ऐसा आराम तरीके से जो गाड़ियाँ हाईवेज पे खड़ी होती है उसमें पाइप्स जोड़ करके और उसे तेल निकाल करके उसको और उसके उस तरह से तेल चोरी करते हैं। अगर रास्ते में कोई गाड़ी ऐसी तेल वाली अगर इनको मिल जाती है और अकेली गाड़ी होती है तो उसके साथ मारपीट करके उसे लूट भी लेते हैं। तो इस तरह से ये इस गिरोह का एक मोडस ऑपरेंडी था और ये इस एनसीआर के सभी जनपदों में काफ़ी दिन से एक्टिव थे। 3 आदमी पकड़े गए हैं, इसमें से ये जो धौलाना हापुड़ का एक आदमी है, एक ही का रहने वाला है, और बाकी इसके जो सदस्य हैं वो वहाँ से फरार हो गए हैं। 2 मौके से फरार हुए थे इनके साथ, लेकिन और लोगों की भी संख्या है। हम सब लोगों के बारे में पूछताछ करके और उनको भी बहुत जल्दी गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। इनका क्रिमिनल हिस्ट्री अभी हम पता कर रहे हैं, अभी तो तत्काल इन्होंने कोई स्वीकार नहीं किया है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो इस मोडस ऑपरेंडी से करने वाले कुछ लिमिटेड गैंग्स हैं और उसमें से वन ऑफ द गैंग्स ये भी था, और ये लोग इनका पहले भी कहीं ना कहीं पकड़े गए होंगे। इसका इतिहास आसपास के जनपदों से हम पता कर रहे हैं। जो ये तेल लेते थे, उस तेल को ये यहाँ से दूर ले जा करके जो छोटे छोटे दुकान, जो अनलाइसेंस दुकान, अनऑथोराइज दुकान था, वहाँ पे जाके सप्लाई करते थे। और इसमें हम लोग वैसे जो इनके परचेजर्स थे उनको भी हम लोगों ने अपने रडार पे रखा हुआ है कि इलीगल तरीके से कुछ ऐसे ढाबे भी हैं जिन ढाबों पे इस तरह के तेल खप जाते हैं। वो ढाबे वाले ये तेल लेकर के और उसको अनऑथोराइज तरीके से, इलीगल तरीके से बेचते हैं।